डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आजकल हम ग्रामर पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जमुल जमा का जहां तक ताल्लुक है, आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहां पर 4 अल्फाज दिए होते हैं और लिखा जाता है इन लफ्ज़ों की जमुल जमा तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक ये जमुल जमा का ताल्लुक है, ये उर्दू में बिल्कुल गिने चुने 10-20 है और जितने भी यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखे हैं एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इन्हीं में से 4 होंगे और सिर्फ आपको 2 करने हैं। डियर स्टूडेंट, यू मस्ट नो कि जमुल जमा क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाहिद जो है इनकी जमा हुआ करती है, लेकिन कुछ वाहिद ऐसे हैं इनकी जब जमा होती है फिर उस जमा की भी जमा होती है, तो वही जमुल जमा कहलाती है या ऐसी चीज़ को हम जमुल जमा के नाम से जानते हैं। सो एग्जामिनेशन में 1 मार्क से डिस्टिंक्शन रह भी जाती है और 1 ही मार्क से डिस्टिंक्शन आ भी जाती है। 1 मार्क से आप पता नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स को पिछाड़ देते हैं। 1 ही मार्क्स है, खुदा ना करे जो फेलियर का बायस भी बनता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, मेरी गुजारिश हमेशा ये रहती है कि किसी 1 भी मार्क्स को आप जो है ये सरसरी ना लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है, पहला ही वर्ड है खबर, जमा अखबार, जमुल जमा अखबारात, खबर अखबार अखबारात, जवहर जवाहिर जवाहिरात, दवा अदविया अदवियात। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख पाए, लाजिम लवाजिम लवाजिमात, वजह वजू वजूहात, रस्म रसूम रसूमात, अमर अमूर अमूरात, आरिजा अवारिज अवारिजात, दवा अदविया अदवियात। डियर स्टूडेंट्स, रुकन अराकीन रुकन अरकान अराकीन, हुकुम अहकाम अहकामात, रकम रकूम रकूमात, इस्म अस्मा असामी, फता फतू मफतू, सॉरी फता फतू फतुहात, नादिर नवादिर नवादिरात। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जमुल जमा है और ये आपके सिलेबस में है, गो कि इसके 2 मार्क्स आपके सिलेबस में आने ही आने हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। लिहाजा ये 2 मार्क्स आपने सिर्फ रटने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर बेशतर ये देखा है स्टूडेंट्स को ये याद होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़े उर्दू लिखने में कमज़ोर है, क्योंकि जब जमुल जमा लिखने होते हैं किसी जगह, ये थोड़े बहुत ना लिटिल भी डिफिकल्ट हुआ करते हैं ये अल्फाज, आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं या प्रैक्टिस किया आपने 1 भी मर्तबा इनको देखा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप हेज करने में या स्पेलिंग करने में आपकी वहाँ जो है वो गलती हो जाती है। लिहाजा जब तक आप स्पेलिंग ठीक नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद है आपका क्वेश्चन, लेकिन क्या आप लिख भी पा रहे हैं, ये भी एक अहम क्वेश्चन बनता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट, जितने भी मैंने यहाँ बताए, मेहरबानी करके इनको याद करिए, इनको घर पर लिखिए, ताकि इंशाल्लाह आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। आज पास हर कोई होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मुझे 500 मिलेंगे, क्या मुझे 490 मिलेंगे, 485, 480 के करीब मैं पहुंच पाऊंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ये छोटा ही वीडियो था, तो कल के वीडियो लेक्चर में एक और न्यू जो ग्रामर का सिलेबस है एक वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।